तो देखिए एक बाउल ले लिए हैं, उसमें हम आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं, और ये हम लहसुन कूट लिए हैं, आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकती हैं। उससे पहले हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए लहसुन इसमें डाल दिए हैं, अब ये खंगाल के भी इसमें डाल दे रहे हैं। अब इसको विस्कर से हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि कोई गांठ ना बने। तो देखिए ये हमारा अच्छे से फिट चुका है, अब इसका हम चीला बनाएंगे। देखिए इसका टेक्सचर ऐसे ही रहेगा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहेगा ना ज़्यादा पतला रहेगा। देखिए तवे पे हम तेल लगा लिए हैं, अब इस बैटर को हम फैला देंगे इस पर। इसको ज़्यादा तेज आंच पे नहीं पकाएंगे, नहीं तो जल जाएगा। देखिए इसमें छोटी छोटी जाली दिख रही है, अब इसके किनारे हम थोड़ा थोड़ा तेल लगा देंगे ताकि उलटने में आराम हो। ये ऊपर से अब ये हल्का हल्का ड्राई हो गया है, अब इसको धीरे धीरे हम उलट लेंगे। इसको उलट उलट के बनाते हैं, देखिए फिर उलट दिए, इसीलिए इसका नाम उल्टा है। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बेसन की उल्टा की सब्जी, आप लोग फैशन में बेसन चीला की सब्जी बोलते हैं, ट्रेडिशनल नाम इसका बेसन का उल्टा है। तो देखिए इसी तरह बनाते हुए हम सारा चीला तैयार कर लेंगे। देखिए सारा चीला हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम चाकू से चौड़ा पतला जैसा काटना हो वैसा आप काट लीजिए। देखिए सारा हम काट लिए पतला पतला, अब ये लास्ट करा गया है, ये सारा कट चुका। अब हम कढ़ाई गैस पे रख दिए हैं, अब इसमें तेल डालेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही लगे बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए तेल गर्म हो गया है, इसमें मेथी हम डाल दिए हैं, अब इसको चलाते हुए पका लेंगे। जब तक मेथी पकेगा तब तक हम मसाला देख लेते हैं। तो देखिए एक टमाटर है, प्याज है, टमाटर है, लहसुन है, सरसों है, गरम मसाला, लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा, इन सबको हम मिक्सी में पीस लेंगे। अब इसमें टमाटर भी डाल देंगे। देखिए मेथी लाल हो गई है और मसाला हम पीस लिए, अब इसको इसमें डाल देंगे और इसमें थोड़ी सी खटाई डाल देंगे। टमाटर से खट्टा नहीं हो पाएगा इसलिए थोड़ी सी खटाई डाल दिए हैं। अब इसको मीडियम आंच पे हम इसको भून लेंगे।
देखिए मसाला हमारा भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है। इसको थोड़ा सा और भून के हम पानी इसमें डालेंगे। जिस बर्तन में हम बेसन फेटे थे उसी को खंगाल के और पानी लेके इसमें हम डाल दिए हैं। अब इसको उबलने का इंतजार करेंगे। देखिए उबल गया है, ग्रेवी भी पक गई है, तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें बेसन जो काट के हम रखे थे बेसन का चीला उसको डाल देंगे। अब इसको उबाल आने का ही इंतजार करेंगे। देखिए सब्जी में उबाल आ चुका है। अब सब्जी हमारी पक गई है, इसको ढक के रख देंगे। 10 मिनट बाद इसको फिर निकालेंगे। देखिए क्या मस्त सब्जी तैयार हुई है। अब ऊपर से धनिया की पत्ती डाल देंगे। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में। तो देखिए सब्जी चावल तैयार है खाने के लिए। तो चलिए इसको काट के दिखा दे रहे हैं। देखिए देखने से पता चल रहा है कितना सॉफ्ट बना हुआ है। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।